लगभग 50 साल पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में छात्र था। चंडीगढ़ एक खूबसूरत शहर है, खूबसूरत शहर में एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी। मेरा घर दिल्ली में था और दिल्ली से चंडीगढ़ बस में ही आना जाना होता था। साधारण बस में 5 रुपए लगते थे और डीलक्स बस में आओ तो 10 रुपए देने पड़ते थे। मुझे आज भी याद है जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आता था अपने घर, तो डीलक्स बस करनाल के पास एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में रुका करती थी। उस रेस्टोरेंट का नाम था पैराकीट और वहाँ मुझे सैंडविच और चाय बहुत अच्छे लगते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स के लिए मैं गया था वो था MSc एंथ्रोपोलॉजी। इंटरव्यू के बाद जिन छात्रों को सेलेक्ट किया गया था उनकी एक लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगी। मैं लिस्ट में अपना नाम देखने पहुंचा। मेरे साथ ही एक और लड़का मेरे बाजू में खड़ा होकर अपना नाम देख रहा था। उस लड़के का नाम था राजन। राजन आज प्रोफेसर राजन गौड़ के नाम से जाने जाते हैं। वो राजन से मेरी पहली मुलाकात थी और उसके बाद की दोस्ती आज तक कायम है। पूरे कोर्स के दौरान मैं और प्रोफेसर राजन गौड़ बहुत अच्छे दोस्त रहे। साथ उठना बैठना, साथ रेस्टोरेंट जाना और ढेर सारी बातें करना। किसी ने क्या खूब कहा है, दोस्त से गले मिलकर क्या निकले, आते जाते लोग पूछने लगे परफ्यूम कौन सा लगाया है। अच्छे दोस्त उस परफ्यूम की तरह हैं जिसकी महक उम्र भर हमारे साथ रहती है। हम दोनों ने बहुत कुछ साथ साथ किया जो अब शायद हमें बचकाना सा लगता है। वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है, जिंदगी का 18वां या 19वां साल। ना अपने आप को बच्चा कह सकते हैं और ना ही बड़ा। क्लास में केवल हम 4 लड़के थे, मैं, KD शर्मा, राजन गौड़ और पूरन शर्मा। मैं हॉस्टल नंबर 5 में रहता था, प्यारे से छोटे छोटे कमरे। शाम के लगभग 7 बजे गाने बजना शुरू हो जाते थे। उस जमाने में राज कपूर की फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी। जिधर सुनो उधर बॉबी के ही गाने बजा करते थे। डाइनिंग हॉल से ऊंचे स्वर में बजते हुए गानों की आवाज मेरे कमरे तक आती थी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और बॉबी के सारे गाने बजा करते थे। मैं डरा सहमा भीड़ होने के पहले ही डिनर कर आता था। ना मुझे भीड़ अच्छी लगती है और ना बहुत सारे दोस्त बनाना। मैं मानता हूं जैसा हूं जहां हूं मैं खुश रहना जानता हूं। कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता था सेक्टर 15 के मार्केट तक। हॉस्टल नंबर 5 में अपने डिपार्टमेंट के 4 लड़के रहा करते थे, जसवंत सिंह सयान, धर्मपाल सिंह सैनी, पूरन शर्मा और मैं। मैं और पूरन एक ही क्लास में थे, सयान और सैनी मेरे सीनियर थे। बहुत सारी यादें हैं कैंपस की। रात के शांत वातावरण में बहती हुई हवा बहुत प्यारी लगती थी। बहती हवा में पेड़ों के पत्ते एक दूसरे को जब छूते थे वो अजीब सा शोर आज भी कान में बसा हुआ है।
वातावरण को महकाती हुई वो भीनी भीनी सुगंध दिलो दिमाग में बसी हुई है। वो गोलाकार स्टूडेंट सेंटर और उसके टॉप फ्लोर पर बना कॉफी हाउस, जब तब डिपार्टमेंट से कॉफी हाउस के चक्कर लगाना, लड़के लड़कियों में नोक झोंक होना, रूठना मनाना, ये सब याद है। मन ही मन कोई लड़की या लड़का अच्छा लगना, पर बोल पाने की हिम्मत न होना, कैसा अजीब वो समय था। छोटी सी दुनिया थी हमारी, हम 12 छात्र और छात्राओं की जो एक ही क्लास में पढ़ते थे। डिपार्टमेंट में घुसते ही लैब से आती हुई वो गंध और हमारे टीचर्स के कमरे ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे उनमें से मुझे डॉक्टर जेसी शर्मा, डॉक्टर वी भल्ला, डॉक्टर सूर्य प्रकाश और डॉक्टर एस कॉल अच्छे से याद हैं। बहुत सालों बाद फिर से मन हुआ डिपार्टमेंट को देखने का। अपने बने हुए कुछ चित्रों को लेकर मैं वहाँ पहुँचा। कुछ पुराने और कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई। अपने टीचर प्रोफेसर सूर्य प्रकाश से मिलकर अच्छा लगा। पुराने दोस्त प्रोफेसर राजन गौड़ से मुलाकात हुई। प्रोफेसर इंदु तलवार जो मेरी सीनियर थीं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। प्रोफेसर इंदु तलवार जो उस समय इंदु घई मैम थीं, मुझे झिझक होती थी उनसे बात करने में, पर उनका उस समय का चेहरा मुझे आज भी याद है। पीस और कंटेंटमेंट उस समय भी उनके चेहरे पर झलकता था और आज भी झलकता है। बहुत से अच्छे लोगों से हम थोड़ी सी झिझक की वजह से बात नहीं कर पाते हैं। प्रोफेसर इंदु तलवार एक व्यक्ति ही नहीं अपितु अपने आप में एक संस्था है, एक बहुत अच्छी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। यादें तो बहुत सारी हैं और समय बहुत कम। कुछ लोगों को छोड़कर कौन कहाँ है मुझे मालूम नहीं। मेरी इच्छा है उन सभी लोगों से मेरा संपर्क हो पाए जो उस समय मेरे साथी थे। जिंदगी के किस मोड़ पर कब कौन मिल जाए पता नहीं।